सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक पिता जब कन्यादान करता है तो पिता के मन में बहुत सारे सवाल होता है, क्या मेरी बेटी ससुराल जाकर के खुश रहेगी, क्या ससुराल में उसको सम्मान मिलेगा। एक पिता जब कन्यादान करता है तो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, भले ही वो जीवन में ना रोया हो, कन्यादान उस विदाई के समय में पिता जरूर रोता है। और पिता के मन में बस यही सब सवाल होता है, क्या मेरी बेटी को ससुराल में जाकर के अच्छा रखेंगे नहीं रखेंगे, उसको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने फूल के समान, फूल की तरह जिस बेटी को पाला है, जिसको मैंने पढ़ाया बढ़ाया, इसलिए हर एक पति को चाहिए आपके घर में आई हुई लक्ष्मी अर्थात आपकी पत्नी का हमेशा सम्मान करें। और हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्री का, जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है उस घर में देवता भी रमण करते हैं, देवता भी प्रसन्न रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी भी आती है। और जिस घर में घर की बहू का अपमान हो, घर की लक्ष्मी का कदर ना हो, ऐसे घर में तो धन भी हो तो वो धन भी कभी सुख देने वाला नहीं होगा। इसलिए हर एक पति को चाहिए, हर एक पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करें। शास्त्र ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया लेकिन हम केवल सुनते हैं, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। अगर हर एक पुरुष नारी का सम्मान करने लगे तो हमारा देश स्वर्ग बन जाता। प्यार से बोल दीजिए ना, भगवान कहते हैं पति का सम्मान करना पत्नी का धर्म है और पत्नी का सम्मान करना पति का धर्म है।